अंबाला छावनी के योगा भवन में योगा फेडरेशन और गीता गोपाल संस्था के सहयोग से नववर्ष के उपलक्ष्य में एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गीता गोपाल संस्था के संस्थापक भैया जी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर योगा फेडरेशन के प्रेसिडेंट राजेंद्र विज ने उन्हें फूल माला पहनाकर स्वागत किया और वहां पर उपस्थित गीता गोपाल संस्था के पदाधिकारियों ने भी मुख्य अतिथि भैया जी को फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर गीता गोपाल संस्था के संस्थापक भैया जी ने वहां पर उपस्थित लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। सर्वप्रथम आप सबको नववर्ष की भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह नया साल हमारे स्वास्थ्य में एक नया आयाम हो, हम समृद्ध हो, हम कर्मयोग की तरफ बढ़े, लेकिन उससे भी पहले हम लोग चरित्रवान बने। नाम है जी और कौन करवा रहा है इसको? देखिए आज पूरे विश्व में नववर्ष 2020 का उपलक्ष्य में डिफरेंट प्रोग्राम हो रहे हैं जगह जगह, और उसी उपलक्ष्य में जो योगा फेडरेशन है वो यहाँ पर नया वर्ष मनाने जा रहे हैं। विशेष रूप से जो हमारे अम्बाला के संत हैं गीता गोपाल के संस्थापक भैया जी को यहाँ आमंत्रित करा, वो जो हमारे योग प्रेमी हैं उनको कुछ ना कुछ गीता के ऊपर बताएंगे, और इसके साथ साथ वो नव वर्ष की अपने ढंग से विशेष भी देंगे सब। देखिए कीर्तन तो ये उनका अपना संस्थान का है, ये जो भी वो करेंगे हमने तो उनको इनविटेशन दिया है, और वो जो भी करेंगे वो उनके ऊपर है कि वो किस ढंग से अपने गुरु का व्याख्यान करते हैं। बाकी ये जो यहाँ पर नीलबीज जी ने ये योगशाला बनाई थी, अब यहाँ पर 800 के करीब कम से कम लोग योगशाला में आ रहे हैं योगा करने, और भी बहुत ज़्यादा लोगों का हमारे पे प्रेशर है कि हमें यहाँ पे आप योगा करने के लिए बुलाए। योग फेडरेशन ने मंत्री जी से आग्रह करा है कि क्योंकि ये छोटी बन गई और हमारी मिस से बहुत छोटी रह गई, इसलिए आप इसका विस्तार करें और डबल किया जा रहा है ताकि यहाँ पर 1,000, 12,000 या 1,400 लोग यहाँ पर दिन में योगा कर सकें। शुभकामनाएं, और मेरा नाम नीरू अग्रवाल है, मैं पतंजलि योग समिति से अंबाला की योग शिक्षक और पदाधिकारी हूँ, लेकिन आज कोई पदाधिकारी की वजह से यहाँ नहीं आए हैं। हम लोग यहाँ पर योग भवन में एक उत्सव मनाने के लिए, नववर्ष की उत्सव मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात मुझे बहुत अच्छी लगी है कि आदरणीय हमारे राजेंद्र विज साहब ने ये प्रोग्राम अच्छा रखा है गीता गोपाल वालों को बुलाकर कि एक प्रभु के चिंतन के साथ हम अपने नववर्ष को मनाएं। मैं यहाँ पर योग भी करवाती हूँ और हम लोग यहाँ पर सभी आज बहने योग सबने मिलकर योग भी किया, और बहुत खुशी से आज का दिन हम यहाँ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मेरा नाम आरती सहगल है, हम यहाँ पर योगशाला में योग करने के लिए आते हैं और हमें यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, और योग के हमें बहुत लाभ हुए हैं, हमें अनेक बीमारियों से छुटकारा मिलता है और हम स्वस्थ रहते हैं। योग करना सबके लिए बेहद ज़रूरी है, और आज हम इस उपलक्ष्य में अपनी योगशाला में सत्संग कराया जा रहा है और नया साल हम मना रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।